और आज हम देखेंगे मैंगो मिल्क शेक। हम 2 से 3 मिनट में मैंगो मिल्क शेक कैसे बनाना है, तो चलिए देखते हैं रेसिपी को, जिसके लिए हमको एक मैंगो की ज़रूरत पड़ेगी। ये थोड़ा सा बड़ा आम है तो मैंने एक ही लिया है, आप चाहो तो 2 छोटे आम ले सकते हो। सबसे पहले हम इसको सील लेते हैं। मैंने एक और छोटा आम ले लिया, मैंने उसको दोनों को सील लिया और हम इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो, इस तरह से मैं दोनों आम के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी और बीच का पोर्शन जो रहता है वो हम फेंक देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आम को मैंने एकदम पीसेस में कर लिया है। और भी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं ये देखते हैं हम। यहाँ पर आइस, अगर आपको लग रहा है आइस तो आप लीजिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर आप इलायची पाउडर ले सकते हो 1 टीस्पून। और यहाँ पर मैंने बादाम के कतरन ली हुई है और यहाँ पर पिस्ता की कतरन ली हुई है। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ली हुई है, शक्कर ली है हमने। आम, ये आम के ऊपर डिपेंड रहता है, अगर आपका आम बहुत मीठा है तो आप शक्कर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके स्वादानुसार आप इसको डाल सकते हो कम या ज़्यादा। और यहाँ पर है केसर के कुछ स्ट्रैंड्स हैं। और यहाँ पर मैंने मिल्क लिया हुआ है, मिल्क हमने एकदम फ्रिज का लिया हुआ है। 2 ग्लास दूध मैंने ले लिया है, जिस भी ग्लास में हमको बाद में सर्व करना है उस ग्लास से नाप कर आप दूध ले सकते हो। मुझे 3 ग्लास बनाना है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक मिक्सर का जार लूँगी और उसमें मैं आम के सारे पीसेस डाल दूँगी। हम इसमें अब शक्कर डाल देते हैं, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और हम डाल देंगे बर्फ, आइस हम डाल देंगे, 2 पीसेस हम आइस के इसमें डाल देंगे। अगर आप आइस नहीं डालना चाहते हो तो आप आइस को अवॉइड कर सकते हो। हम इसको बंद करके मिक्सी में 2 से 3 बार एकदम अच्छे से महीन पीस लेते हैं। हमने इसे 2 से 3 बार घुमा लिया, अच्छे से पीस गया है, बहुत अच्छे से उसका पल्प ऐसा वेग हो गया। अब हम इसमें 2 ग्लास दूध जो हमने लिया हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। और हम इसको फिर से 2-3 बार मिक्सी में घुमा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको मिक्सी में अच्छे से घुमा दिया और हमारा ये जो मैंगो मिल्क शेक है ये बढ़िया एकदम बढ़िया से तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। और सर्व करने से पहले हम जो पॉट है उसमें हम अच्छे से चम्मच चला लेंगे ताकि वो वैसे तो मिक्स ही है लेकिन एक बार अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसमें हम पोर कर देंगे ग्लासेस में, आप देख सकते हो हमारा 3 ग्लास मैंगो मिल्क शेक बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले हम इसके ऊपर बादाम की कतरन डाल देंगे, हमने जो पिस्ता की कतरन ली हुई थी वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और हम इसमें जो हमने केसर लिया हुआ था, केसर की स्ट्रैंड्स 2-3 स्ट्रैंड्स हम इसमें इस तरह से रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया हमारा मैंगो मिल्क शेक तैयार हुआ है। टेस्ट करके देखूंगी, बहुत ही बढ़िया हमारा मैंगो मिल्क शेक तैयार है और बहुत ही अच्छा हुआ है। इसमें हमने जो दूध यूज़ किया था वो एकदम फ्रिज का था, तो इसमें मैंने आइस नहीं डाला है, बस हमने करते टाइम इसमें थोड़ा सा आइस डाला था। आप चाहो तो ग्लास में सर्व करने से पहले भी आप इसमें आइस डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।